हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रेड ग्रीन एंड गोल्ड मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँ। इस लुक में मैंने ग्लिटर यूज़ किया है और ये वाली जो लुक है वो आप लोग ब्राइडल मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी मेकअप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली नाइट फंक्शंस में ये वाला मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने ये लुक किस तरह से क्रिएट की है। तो सबसे पहले मैंने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, उसके बाद मैंने NYX कॉस्मेटिक का जेल प्राइमर यूज़ किया है। जेल प्राइमर यूज़ करने के बाद मैंने आईब्रोज़ को शेप अप करी हूँ। आईब्रोज़ को शेप अप करने के लिए मैंने अनस्थाजिया बेवरली हिल्स का ब्रो प्रो पैलेट में से शेड लिया है हेयर के अकॉर्डिंग, और इसको मैं एंगल ब्रश के साथ शेप अप करी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं आईब्रोज़ को शेप अप करी हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से एंगल ब्रश के साथ अपने हेयर के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने शेड लेना है और उसको अपने इस तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट मैं मैक का पेंट पॉट ले रही हूँ, पेंटरली ये आई प्राइमर है। इसको मैं फ्लैट ब्रश के साथ आईज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों के पास अगर आई प्राइमर नहीं है तो आप लोग कंसीलर के साथ भी अपनी आई बेस बना सकते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी आईज़ के ऊपर जो फेस के ऊपर प्राइमर लगाते हैं वो अप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद आप लोगों ने कंसीलर सेम इसी टेक्निक से आपने लगाना है और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट मैं NYX का पैलेट ले रही हूँ, इसमें से मैंने लाइट डस्टी रोज पिंक शेड लिया है और इसको मैं क्रीज ब्रश के साथ क्रीज एरिया के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल शेड को थोड़ा थोड़ा लेकर हमने अप्लाई करना है और हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है ताकि ये कलर जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आप लोग जब आई प्राइमर या आई बेस आप लोग अप्लाई करें या कंसीलर लगाएं तो आप लोग या तो लूज पाउडर से उसको सेट कर लें या न्यूड आई शेडो से आप उसको सेट कर लें ताकि आपकी जो है क्रीज ना बने। यहाँ पे इनकी ड्राई स्किन है, इस वजह से मैंने इसको लूज पाउडर से या न्यूड आई शेडो से सेट नहीं किया, डायरेक्ट मैंने आई शेडो ही अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट मैं NYX की जंबो आई पेंसिल ले रही हूँ ब्लैक में, ब्लैक बीन। आप लोग कोई सी भी ब्लैक जो क्रायोन पेंसिल्स होती हैं आप वो ले सकते हैं, और इसको मैं आउटर कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। इसका एक हम लोगों ने स्मॉल वीज बनाना है, बहुत ज़्यादा इस को नहीं लगाना, बस इसका देखिए मैंने इस तरीके से स्मॉल वी बनाया है और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इससे ये है कि हमारी जो बेस है, जो ब्लैक बेस है वो अच्छी सी बनेगी। नेक्स्ट मैं NYX पैलेट में से रेड शेड ले रही हूँ और आई शेडो ब्रश के साथ इसको मैं अपनी जो मिडल आईलिड है उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, डैप कर करके। थोड़ा थोड़ा शेड लेके इसको लगाना है, जब आपको ज़रूरत पड़े जितना आप इसको डार्क करना चाहते हैं आप अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक इसको डार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं गोल्ड शेड ले रही हूँ और ऑल ओवर ब्रश के साथ इसको मैं इनर लिड के ऊपर लगा रही हूँ। सेम इसको मैं डैप कर करके लगाऊंगी और थोड़ा सा इसको मैं रेड शेड के अंदर ब्लेंड कर दूंगी, और यही शेड मैं ब्रोबोन के ऊपर लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने मैक का ग्रीन आईशैडो लिया है, आप लोग किसी भी ब्रांड का ग्रीन शेड ले सकते हैं, और इसको मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आउटर कॉर्नर के ऊपर लगा रही हूँ, जहाँ पे मैंने ब्लैक NYX की पेंसिल को लगा के ब्लेंड किया था उसके ऊपर मैं ये ग्रीन शेड लगा रही हूँ ताकि हमारा जो ग्रीन शेड है वो थोड़ा सा डार्क नज़र आए। अगर आप लोगों के पास लाइट है ग्रीन शेड तो आप लोग इसी तरीके से नीचे ब्लैक शेड लगाएं और ऊपर ग्रीन शेड लगाएं, और देखिए हल्के हाथों से मैं इसको क्रीज एरिया के ऊपर लेकर जा रही हूँ ताकि ये जो ग्रीन शेड है वो थोड़ा सा हमारे क्रीज एरिया में ब्लेंड हो जाए। बहुत हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है, जो इसकी हार्श लाइन है वो बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। उसके बाद मैंने क्रीज ब्रश के साथ इसको दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अगर ऊपर कोई भी शिमर
लग गया है तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। नेक्स्ट मैं मैक का मिक्सिंग मीडियम यूज़ कर रही हूँ। आप लोग कोई सा भी ग्लिटर की जो ग्लू है वो यूज़ कर सकते हैं। उसको लगाने के बाद मैं गोल्ड ग्लिटर जो है वो मैं लगा रही हूँ फ्लैट ब्रश के साथ डैप कर करके, और थोड़ा सा उसको मैं, आप देख सकते हैं कि मैंने रेड के अंदर लेकर आई हूँ। इस तरीके से ये बिल्कुल जो ग्लिटर है वो ब्लेंडेड सा लगता है। उसके बाद मैंने जो रेड ग्लिटर है वो मैं रेड शेड के ऊपर लगा रही हूँ और डैप कर करके लगा रही हूँ। थोड़ा सा उसको मैं गोल्ड के साथ मिक्स करूँगी और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में लेकर जाऊँगी, बिल्कुल थोड़ा सा लेकर जाऊँगी ताकि जो हमारा ग्लिटर है वो बिल्कुल ब्लेंडेड सा लगे। नेक्स्ट मैं आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। आईलैशेस अप्लाई करने के बाद मैं जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। जेल आईलाइनर आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और इसको मैं एंगल ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास जेल लाइनर नहीं है तो आप लोग एक्वा लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने नेक्स का ऑरेंज करेक्टर लिया है और इसको मैं डार्क सर्कल्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। या फेस के ऊपर कहीं पे भी डार्क पिगमेंटेशंस है तो आप लोग ऑरेंज कलर का करेक्टर अप्लाई करें। इसके अलावा आप लोग क्रायलॉन की चाइनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने नेक्स की फाउंडेशन ली है, शेड मैं ले रही हूँ नेचुरल, और इसको मैं फाउंडेशन ब्रश के साथ फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। डैप कर करके मैं फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ ताकि फाउंडेशन जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और उसकी स्मूथ और फ्लॉलेस फिनिशिंग आए। अगर आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग उसको वेट करके यूज़ करें। उससे ये होता है कि आपकी जो बेस की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी और स्मूथ आती है। जितना आपका मेकअप ब्लेंडेड होगा उतनी ही आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नेक्स्ट मैं कंसीलर ले रही हूँ टू फेस का, शेड है ये स्नो, और इसको मैं हाइलाइटेड एरिया जो है फेस के ऊपर, अंडर आइज, नोज ब्रिज, फोरहेड, चिन एरिया, इनके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ। लिक्विड कंसीलर है ये, और इसको इसके बाद मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर ब्रश या फाउंडेशन ब्रश के साथ आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, या अगर आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो आपने वेट यूज़ करना है, अच्छे तरीके से उसको पानी में डिप करके उसका पानी सारा निचोड़ के जब वो डबल साइज़ में हो जाए तो उसके बाद आप अपनी बेस की उसके साथ ब्लेंडिंग करें। नेक्स्ट मैं फेस के ऊपर ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रही हूँ लॉरा मर्सियर का पाउडर ब्रश के साथ। इसको मैं बेस के ऊपर लगा रही हूँ ताकि बेस जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने के बाद इसको मैं फाउंडेशन ब्रश के साथ इस पाउडर को सेट कर रही हूँ ताकि ये जो पाउडर है ये भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और हमारी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। आप लोग इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी हल्के हाथों से ब्लेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं डस्टी रोज़ पिंक शेड जो है वो ले रही हूँ, और शेडो ब्रश के साथ इसको मैं आइस के नीचे अप्लाई कर रही हूँ और हल्के हाथों से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ।
ब्लेंड करते हुए इसको मैं आउटर ग्रीन का जो हमारी जो फिनिशिंग लाइन है, जो हमारी हार्श लाइन थी, उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। नेक्स्ट मैं NYX की वाइट जंबो आई पेंसिल ली है मैंने, वो मैंने वाटर लाइन में अप्लाई की है। उसके बाद मैंने टू फेस का कंटोर शेड लिया है और इसको मैं फैन ब्रश के साथ, स्मॉल फैन ब्रश है सफूरा का, इसको मैं इससे मैं नोज़ को कंटोर कर रही हूँ। उसके बाद मैं फेस की कंटोरिंग कर रही हूँ, चीक बोन और जॉ लाइन की कंटोरिंग कर रही हूँ। ब्लश ऑन मैंने लिया है बी क्यूट का, आप लोग किसी भी ब्रांड का ब्लश ऑन जो है वो ले सकते हैं। और जहाँ पे मैंने कंटोर शेड अप्लाई किया था उसके थोड़ा सा ऊपर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और साथ ही मैंने चीक्स के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर दिया है और नोज ब्रिज के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई किया है। ये है हमारे मेकअप की फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी ये मेकअप लुक पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये मेकअप लुक पसंद आई है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे भी ऐड हो सकते हैं और आप लोग फेसबुक ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। उसके लिए आप लोग मुझे इनबॉक्स करें, मेरा पर्सनल अकाउंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे इनबॉक्स करें, पर्सनल मैसेज करें, मैं आप लोगों को सारी डिटेल जो है वो दे दूँगी। Thank you so much guys for watching.